हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदाश्री लर्निंग ऐप। आई होप यू आर वेरी वेल। सो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्टिव पैसिव वॉइसेस पढ़े थे कि हम लोग एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके इंटोग्रेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, कैसे उसके हम क्वेश्चंस करते हैं वो हम लोगों ने किया था। अब हम आज क्या करने वाले हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर में जो किया था वो इंटोग्रेटिव का एक कंडीशन की थी, जिस कंडीशन में क्या था कि अगर आप येस नो अगर आपको मिलता है, यानी कि आपको अगर क्वेश्चंस कोई पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ येस नो में आंसर देना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए भी थे, तो वो वाला कंसेप्ट आपको इजीली आ गया होगा। तो आज उसी में हम लोग इंटोग्रेटिव सेंटेंस का एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था डब्ल्यू एच वाला। ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस की बात की थी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जब भी हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ से उसका पार्टीशन करके उस वाले में हम लोग अगर क्या लगा दें, येस नो वाला क्वेश्चन। यानी कि जैसे मान लीजिए, हैव यू ब्रोकन द मिरर, तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन बन रहा है, येस नो वाला। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि येस नो वाला रूल फॉलो कर देते थे और बाकी जो हमारी यहाँ पर सेम था वो हम एज इट इज लिख देते थे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, वाई Has the mirror broken by you? तो ये तो हमारा था क्या, येस नो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हम लोग करते थे। यानी कि जो डब्ल्यू एच क्वेश्चंस आते हैं, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में अगर आपका अगर हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद का पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर आपको उसमें येस नो का सिर्फ येस नो का आंसर देना हो, तो तब आप उसमें क्या यूज़ करते थे, येस नो वाला एक्टिव टू पैसिव चेंज वाला कंसेप्ट यूज़ करते थे। अब ये तो हमारा एक टाइप हो गया। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। उस टाइप में क्या होगा कि उसमें आपको ये जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हु रोट द रामायण। अगर आप इसको, अब जैसे मैंने वाला क्वेश्चन बताया था आपको, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तो इसमें मैंने आपसे बोला कि वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, आपने मिरर को क्यों तोड़ा। तो यहाँ पर आपसे क्यों पूछा है, तो डिटेल में आंसर पूछा है। अगर मैं डब्ल्यू एच वाई को हटा दूँ और सिर्फ इतना बोलूँ कि हैव यू ब्रोकन द मिरर, क्या आपने शीशा तोड़ा, तो आपको क्या बोलना है, हाँ या ना। तो ये हमारा जो था इजी क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, येस नो का आंसर हम लोग करने के लिए, इसको एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए हम डब्ल्यू एच वाई को ऐसे लिख दे रहे थे और बाकी सेंटेंस को येस नो के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे। बट अब इसमें एक नेक्स्ट टाइप आता है, ये टाइप क्या है, जैसे हु रोट द रामायण। अब अगर आपको यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको अलग कीजिए, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे बोल रहा है कि रामायण किसने लिखी थी, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे पार्टीशन में नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दी गई है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो है मेन वर्ब दी गई है और आप मेन वर्ब से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इससे हमारा क्या कंसेप्ट बनता है, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, जब आपके क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं कि जब आपसे बोला जाए कि जैसे ये वाला क्वेश्चन हु रोट द रामायण, तो अगर आप उस क्वेश्चन को अलग नहीं कर पा रहे हैं और आप उसकी मीनिंग को अलग अलग, यानी कि जैसे वाई वाला में क्या था, हमने हैव यू ब्रोकन अलग कर दिया था और वाई को अलग कर दिया था, वैसे क्वेश्चन में अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हु प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हो। एक बार फिर से देखिए, अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस में अगर आपका हो डब्ल्यू एच ओ हु, ठीक है, यहाँ पर अगर हु लिखा है इसलिए लिखा है, अगर आप इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, इसको सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का अगर आपका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में इंटोग्रेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपका सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस को आप एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, बाय हूम, देखिए यहाँ पे वैसे आपका जब डब्ल्यू एच ओ है, ये कंडीशन है कि डब्ल्यू एच ओ होगा तभी आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ठीक है, जब डब्ल्यू एच ओ होगा तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, यानी कि जब डब्ल्यू एच ओ प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तब आप उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसको आप चेंज करने के लिए हुम को बाय हुम कर देंगे, देन उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, देन उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बी की फॉर्म यानी कि बी या फिर बीन या फिर बींग का यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड देन लास्ट हमारी हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक बार और फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वाला क्वेश्चन है और अगर आप उसका पार्टीशन नहीं कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में हम लोगों का, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर आपको वहाँ पर एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर जो है आपको ऐसे दिखे, यानी कि हु प्लस मेन वर्ब की प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिखता है, तो आप वहाँ पर पैसिव वॉइस में उसको कैसे चेंज करेंगे, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस कंसेप्ट से रिलेटिव हम ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हु है तो मैंने आपको जैसे बताया था, तो यहाँ पर हमारा बाय हुम हो जाएगा। ठीक है, तो बाय हुम, और यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब की बात की गई है। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब कहीं पर भी नहीं है, बट आपको अगर ये कंसेप्ट याद होगा कि जब हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करते थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसमें हम लोग क्या चेंज करते हैं, वॉज वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको मैंने पूरा चार्ट पेपर में करवाया था, यानी कि पूरा यहाँ पे चार्ट बना के दिखाया था आपको कि हम कब कौन सी वर्ब के साथ कौन सा टर्म यूज़ करते हैं। तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है एंड थर्ड फॉर्म रिटन होती है। तो यहाँ पर आपको रोड सेकंड फॉर्म दी गई है, और सेकंड फॉर्म में जब एक्टिव वॉइस होती है तो उसे हम पैसिव में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाय हुम वॉज प्लस सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द रामायण, द रामायण। ठीक है, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला है तो रोड का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोड का हम कर देंगे रिटर्न। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में हम जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारा हु रोड द रामायण का बना, बाय हुम वॉज द रामायण रिटर्न। ठीक है, तो ये हम जो यहाँ पर क्या है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं, इंटोगेटिव टू इंटोगेटिव में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमने आपको करवाया, ठीक है, इस कंसेप्ट से रिलेटिव और क्वेश्चंस को करते हैं ताकि आपके जो डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द रामायण। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एज इट इज़ सेम उतारा है मैंने, बस थोड़ा सा डिफरेंट किया है, और इस थोड़े से डिफरेंस की वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हुम है, हु है, तो हु जब भी आएगा वहाँ पर आपको बाय हुम करना है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या, बाय हुम। ठीक है, इतना हमने किया, देन उसके बाद हम देखते हैं हुम के बाद जब होता है तो यहाँ पर हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर दी गई है तो आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़। ठीक है, देन उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट होता है उसके बाद, तो सब्जेक्ट हमारा आएगा द रामायण, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, रामायण के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पर क्या था, बी। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब आपसे मैंने बताया था कि जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और आपका हैज हैव होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये रूल फॉलो करते हैं, जब आपका हैज हैव में एक्टिव वॉइस होता है, अगर ये आपका एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, तो आप इसे अगर पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो आप इसे हैज हैव बीन में चेंज करते हैं। देखिए रूल सबके लिए सेम्स होंगे, ये नहीं कि अगर इंटोगेटिव है तो आप उसमें पैसिव और एक्टिव वॉइस का रूल नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रूल आपको सब में सेम यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हैज़ हैव दिया गया है, हैज़ हैव दिया गया है, तो हैज़ हैव को हम पैसिव वॉइस में हैज़ हैव बीन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रामायण बीन रिटन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा By whom has a Ramayana been written? Okay. Then हमारा next question है, Who broke this beautiful glass? अब आप जो questions मैं करा रही हूँ आपको, आप खुद से इनको एक बार देखिए, अगर आप इनको अलग कर सकते हैं तो। अगर मैं ऐसा बोल दूँ broke this beautiful glass, इसका कोई meaning नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे questions को solve करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे by
whom, अब फिर से देखिए यहाँ पर break की second form use की गई है, यानी कि broke यहाँ पर use हुआ है, तो verb की second form जब भी आएगी तो आप उसमें जो है was verb का use करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे by whom was this beautiful glass, this beautiful, this beautiful glass broken, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना एक्टिव टू पैसिव में, बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, ठीक है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर इसमें भी हम बनाते हैं बाय हुम, अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब की बात है तो सॉल्व हमारा क्या होगा, सेकेंड फॉर्म होती है सॉल्व सॉल्व सॉल्व, ठीक है। तो इसमें भी हम वही यूज़ करेंगे बाय हुम वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपका जो मैंने आपको रूल्स लिखाए हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस के चेंज करने के साथ साथ आपको ये वाला कंसेप्ट भी साथ लेकर चलना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब आपकी वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में होती है तो आप उसमें उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते तक क्या करना है आपको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और अगर आपकी वॉज वर्ब होती है तो उसमें हमें बीन का यूज़ करना है, ठीक है। ये सारे आप एक साथ लेकर कंसेप्ट के साथ चलेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे।